नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को लेकर, जिसमें बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार आने वाले दिनों में रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को एक बार फिर से नौकरी देने जा रही है। बता दें कि इन बैंक कर्मियों को नवगठित सांस्थिक वित्त निदेशालय में रखा जाएगा। इन निदेशालय का गठन साल 2019 में किया गया था। कहा जा रहा है कि इन बैंक कर्मियों को बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर अब तक जो है किसी ने नियुक्ति नहीं की थी। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह एक प्रयोग के तौर पे देखा गया है। ऐसे में बिहार सरकार ने इसके लिए तीन पद का सृजन किया है, जिसमें से एक पद सामान्य वर्ग के लिए होगा, दूसरा पिछड़ा वर्ग के लिए और तीसरा पद जो है वह महिलाओं के लिए रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला का जो पद सृजित किया जाएगा वह अनारक्षित नहीं होगा, यानी कि ये जो है आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि इस पद के महिलाओं में कोई भी इस पद पर अप्लाई कर सकती है। सांस्थिक वित्त निदेशालय की अधिसूचना के अनुसार संविदा बहाली में उन्हें अवसर मिलेगा जो सक्रिय सेवाकाल में AGM या फिर उससे ऊंचे पदों पर कार्यरत रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 तक उनकी उम्र सीमा जो है 63 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि पहली बार जिन्हें नियुक्ति कराई जाएगी उनका कार्यकाल जो होगा वह 1 साल का होगा। ऐसे में पूर्व बैंक अधिकारी 65 साल तक के लिए वे इस पद पर बने रह सकते हैं। इसमें चयन को लेकर कहा गया है कि साक्षात्कार के तहत उनकी नियुक्ति कराई जाएगी। बिहार में कई ऐसे विभाग हैं जो रिटायर्ड कर्मियों को संविदा पर नियुक्ति कराती रही है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी संविदा पर बहाली के लिए करीब 900 से 1000 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए आवेदन की मांग की गई है। बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड हुए पुलिसकर्मियों को 1 साल के लिए संविदा पर बहाल करने का फैसला किया है। पिछले साल से ही उनसे जो है आवेदन की मांग की जाती रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि 70 से 80 आवेदन जो है प्रतिदिन आ रहे थे। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग जो है संविदा के तहत भी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं। अगर हम बिहार सरकार के और भी विभागों को देखें तो उसमें राजपत्री और अराजपत्री कर्मियों की सेवा अगले 1 साल तक के लिए संविदा के आधार पर लाए जाने की योजना बनाई गई है। बता दें कि पिछले साल जो रिटायर्ड हुए हैं उनसे जो है आवेदन की मांग की गई है। तो ऐसे में देख लें कि बिहार सरकार जो है कई विभाग हैं जिसमें कि संविदा के आधार पर नौकरी देने की योजना बना रही है। इन सब के बीच में जो सबसे अहम और बड़ा फैसला जो निकल कर सामने आया वो था बिहार पुलिस में संविदा पर नौकरी देने का। उसके बाद एक तरह से कह लें कि कई लोगों ने इसमें रोष भी जताया, लेकिन बाद के दिनों में जब ये कहा गया कि उसमें रिटायर्ड कर्मियों को रखा जाएगा तो इससे पहले भी बिहार सरकार जो है संविदा के आधार पर रिटायर्ड कर्मियों को रखती रही है। ऐसे में बिहार पुलिस के साथ साथ अब बैंकिंग सेवा में भी जो है बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रयोग के तौर पर देखा है, और जिसमें उन्होंने सांस्थिक वित्त निदेशालय के रूप में एक नया विभाग बनाया है और उसमें एक जो प्रकार से कह लें कि नए लोगों की नियुक्ति की बात कही गई है। तो आने वाले दिनों में यह साफ हो पाएगा कि यह जो नया निदेशालय बना है इससे बिहार सरकार को कितना लाभ होगा या फिर बैंक के क्षेत्र में यह कितना लाभदायक होगा। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।